हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर सो आज है डे एटी वन डेली फार्मा एम सी डोज सीरीज़ का एंड एस सीरीज़ में हम डेली के फिफ्टी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके फार्मेसी रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं इसके साथ में फिफ्टी एम सी के के बाद में हम एक फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करते हैं सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से सो so, पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ़ डिक्रीजिंग डाईलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसके डाइलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट का ये करेक्ट ऑर्डर जो है वो इसमें से आइडेंटिफाई करना है सो so, सबसे ज़्यादा गिवन ऑप्शन में से फॉर्मामाइड का सबसे ज़्यादा रहेगा देन वाटर देन मिथेनोल देन एसिटोन तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर लेक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड के लिए पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने रहेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मूला होता है टू की पावर एन एन होता है कितने नंबर ऑफ काइरल कार्बन एटम्स हैं इसमें ठीक है तो लैक्टिक एसिड में जो है वो सिर्फ एक काइरल एटम होता है तो इसमें आपका सिंपल बन जाएगा टू की पावर वन दैट इज इक्वल टू टू तो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए टिपिकल एंटीसाइकॉटिक ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है इसमें से क्लोजापीन, पीन सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ प्योरिन इज सो प्यूरिन का मालिकुलर फार्मूला क्या होता है इट इज सी फाइव एच फोर एंड फोर सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्ट शुगर इज अ प्रोडक्ट ऑप्टेन बाय द हाइड्रोलिस ऑफ इन्वर्ट शुगर जो है Uh, वो प्रोडक्ट होता है किसकी हाइड्रोलिसिस से ऑप्टेन होता है सो इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोस सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एन एंड आर एन ए कंटेन द फॉलोइंग टू मेजर प्योरिन बेसिस डी एन डी एन एंड आर एन ए दो मेजर प्योरिन बेसिस रहते हैं एंड वो दो प्योरिन बेसिस हैं आपके एडेनिन एंड गुआनिन सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है लुकास टेस्ट इज़ वेरी रैपिड विद तो लुकास टेस्ट जो है वो आपका टर्शरी थ्री डिग्री अल्कोहल के साथ जो है वो रैपिड रहता है सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बापिनम इनमें से कार्बापिनम का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है so, इसमें पाइप्रासिलिन जो है पाइप्रासिलिन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कार्ब सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलिकुलर द मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट इज़ सो ज़ीरो डाइपोल मोमेंट इसमें बी एफ थ्री की रहेगी सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम टेकन एट अ फिक्स टेम्परेचर और द रेडिएशन डोज रिक्वायर्ड टू अचीव नाइंटी परसेंट रिडक्शन इन बाइबल बैक्टीरियल सेल्स इज कॉल्ड सो ऐसा टाइम एक फिक्स टेम्परेचर पे या फिर ऐसी रेडिएशन डोज जो कि वायबल बैक्टीरियल सेल्स में नाइन्टी परसेंट रिडक्शन के लिए जो है वो रिक्वायर्ड रहती है तो ये आपकी रहेगी डी वैल्यू ठीक है और सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स द टर्म कंपार्टमेंट मींस तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स में जो कंपार्टमेंट टर्म है उसका मीनिंग रहता है हाइपोथेटिकल पूल टिश्यू सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट हैज द हाइएस्ट डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस सो किस फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट का हाइएस्ट डायलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट रहेगा पच्चीस डिग्री सेल्सियस पे सो इट विल बी ग्लेसरीन सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कोजनी कार्बन इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन द कोजनी कार्बन इक्वेसन सर्फेस एरिया ऑफ पाउडर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती है सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट एच एल वी वैल्यू हाइएस्ट एच एल वी वैल्यू आपकी रहती है एस एल एस की दैट इज सोडियम लोरियल सल्फेट सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटांज आर नॉट यूज हिमेक्टेंट्स इन इमल्शंस ठीक है इनमें से कौन सा सबस्टांस जो है वो हिमेक्टेंट की तरह यूज नहीं होता इमल्शंस में तो दिस विल बी टोकोफेरोल सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग सोलवेंट्स विच वन इज नॉट अ पोलर सोल्वेंट इनमें से पोलर सोल्वेंट कौन सा नहीं है सो so, हेगेन जो है हेक्जेन इज नॉट अ पोलर सोल्वेंट सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स रिक्वायर्स एन एसिडिक पी एच ऑफ यूरिन फॉर ऑप्टिमम एक्शन ठीक है सो यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट जो है वो कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा एसिडिक पी एच के लिए ऑफ यूरिन फॉर ऑप्टिमम एक्शन ठीक है मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग रहेगा जो कि एसिडिक पी एच में जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगा सो दिस एंटी इन्फेक्टिव एजेंट इज़ कार्बेनिसेलिन सो इसमें आपका ऑप्शन सीज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज कैन बी डिटरमाइंड बाय थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से हम हाइग्रोस्कोपिसिटी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यू एस पी ग्लास टाइप्स इज़ नॉट सुटेबल फॉर पेरेंटल पैकेजिंग पेरेंटल पैकेजिंग के लिए कौन सा ग्लास टाइप जो है वो सूटेबल नहीं होगा ठीक है सो तो ये आपका रहता है टाइप फोर ग्लास सो तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज द कॉमन केमिकल नेम फॉर प्रॉपर वन वन टू प्रॉपर वन वन टू के लिए कॉमन केमिकल नाम आपका रहता है मोनोफ्लोरो मिथेन सो तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्पोनेंट ऑफ फिल्म कोटिंग सोल्यूशन टू मेक फिल्म मोर फ्लाएबल इन्हांस स्प्रेड ओवर टेबलेट्स बीट्स एंड ग्रेन्यूल्स इज कॉल्ड सो ये आपकी कंपोनेंट रहता है प्लास्टिस सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर स्वीट एंड हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशंस इंटेंडेड फॉर ओरल यूज यूजली फ्लेवर टू एनहांस पेलेटेबिलिटी आर कॉल्ड तो ये क्लियर स्वीट एंड हाइड्रोल्कोहलिक सोल्यूशन आपके रहते हैं एलेक्सर्स सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन्स एज पर डब्ल्यू एच ओ क्राइटेरिया रेफर्स टू हॉट एंड हीमिट क्लाइडेट क्लाइमेट तो हॉट एंड हीमिड क्लाइमेट जो है वो आपका रहता है जोन फोर सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेथरेट्स क्रिस्टलाइज इन द फॉर्म ऑफ तो क्लेथरेट्स जो हैं वो आपके केज लाइक लैटिस की फॉर्म में क्रिस्टलाइज होते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट्स इज एन एनाइनिक सर्फेक्टेंट इनमें से एनाइनिक सर्फेक्टेंट कौन सा है सो इट इज सॉप्स सॉप्स जो है वो आपके एनाइनिक -like सर्फेक्टेंट्स होते हैं सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉडी क्राउन्स ऑफ अ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट तो इसके लिए टर्म जो है वो यूज़ होती है कैपिंग सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द प्रोसेस इज अकरिंग ड्यूरिंग फ्लेम एटोमाइजेशन इन एटोमिक द स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो आपका फ्लेम एटोमाइजेशन के दौरान जो है वो अक्कर करता है कि इसमें अटोमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो यहाँ पे वॉलेटलाइजेशन दिया गया है आयनाइजेशन नेबुलाइजेशन डिसोल्वेशन एंड डिसोसिएशन तो इसमें आपका सबसे पहले जो प्रोसेस आता है दैट इज नेबुलाइजेशन इसके बाद आता है आपका डिसोलवेशन डिसवेशन के बाद में आपका आता है वोलेटालाइजेश बोले बोलेटाइलाइजेशन देन इसके बाद आपका आता है डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के बाद आपका आता है आयनाइजेशन सो so, ये इसमें प्रॉपर स्टेप्स रहते हैं सो so, इसमें क्या रहेगा आपका सी डी ए सी डी ए ई बी सी डी ए सो सी डी ए बी सो so, ये आपका ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल सो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर कौन सा कंपाउंड है सो द प्रिकर्सर इज लेनोस्टिरोल सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सॉस्ट मोनोफॉस्फेट पाथवेज सो बेसिकली इट इज़ एच एम पी शंट पाथवे एच एम पी शंट पाथवे के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है फाइंड आउट करनी है सो इट प्रोड्यूस सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस होती है जी हाँ इट रिक्वायर्स ए टी पी फॉर फॉस्फोराइलेशन सो फॉस्फोराइलेशन के लिए ए टी पी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं रहती है बाकी इट इज़ कंट्रोल्ड बाई इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डीहाइड्रोजनीज बाई एन ए डी पी एच सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू देन इट प्रोड्यूस राईव फाइव फॉल्स फिल्ड सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू सो इसमें इनकरेक्ट आपकी रहेगी ऑप्शन नंबर बी सो दिस विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ बेपर प्रेशर वॉज गिवन बाय सो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ बेपर प्रेशर का लॉ जो है वो आपका दिया गया था बाय सो रॉल्ट स् लॉ भी से कहा जाता है सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रीवेंट आई एन एच आइसोनियाज इंड्यूस्ड न्यूरोटॉक्सिसिटी डैश इज गिवन अलॉन्ग विद इट आइसोनियाज इंड्यूस्ड न्यूरोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए पेरीडॉक्सिन यानी कि विटामिन बी सिक्स को साथ में कम्बिनेशन में दिया जाता है सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिश ब्राउन कलर ऑफ केलामाइन इज ड्यू टू सो केलामाइन का रेडिश ब्राउन कलर जो है वो किस वह से आता है सो इट इज़ ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजेबल सीरेंजेज आर मेड ऑफ तो डिस्पोजेबल जो हैं वो आपकी बनी होती हैं पोली से सो so इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल सनस्क्रीन फिजिकल सनस्क्रीन इसमें से कौन सा है सो इट इज टिटेनियम डाइऑक्साइड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सील कोटिंग इज अप्लाइड तो स्टील कॉटेन का मेन पर्पस क्या रहता है कि कोर तक टेबलेट के कोर तक मॉइस्चर पेनिट्रेट uh, ना कर सके सो टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टेबलेट कोर ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन कंटेन स्टीरोडल स्ट्रक्चर स्टीरोडल स्ट्रक्चर आपका विटामिन डी में रहता है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड इज तो एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ब्लड का आपका रहेगा नाइट्रिक ऑक्साइड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव एच टी थ्री एंटागोनिस्ट यूज एज एंटी एमेटिक एजेंट सो कौन सा ऐसा फाइव एच टी थ्री एंटागोनिस्ट है जो कि एज एन एंटी एमेटिक एजेंट की तरह यूज होता है सो इट इज ऑनडा सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोज हाइपर ग्लाइसीमिया एक्सेप्ट तो इनमें से कौन सा एजेंट हाइपर ग्लाइसीमिया कोज नहीं करेगा तो so, ये आपका रहेगा मिग्लीटोल सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड सो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरूविक एसिड में ये आपका कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स इज इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स आपके इंक्लूडेड रहते हैं शेड्यूल एस में ऑप्शन सी इज करेक्ट हाँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द बाई अवेलेबिलिटी टर्म क्या रहती है सो so ये आपका वो अमाउंट होता है ड्रग का जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचता है सो इट इज द मेजरमेंट ऑफ रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीच इज सिमिक सर्कुलेशन इसमें आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ सीरोटोनिन अपटेक इज बाय सो सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ सीरोटोनिन री अपटेक जो है वो आपकी रहेगी फ्लोगजेटिन ड्रग के थ्रू सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी इज बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो आपका रहेगा स्किन सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द यूनिट ऑफ बेब नंबर बेब नंबर की यूनिट आपकी रहती है कैसर ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस कैन बी प्रेस्क्राइब्ड बाई तो कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेसेस को प्रिस्क्राइब किया जाता है माइकलेस माइकलेसमेंटन काइनेटिक्स ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइटोटॉक्सिक ड्रग विध मैक्म एमेटिक एक्टिविटी सो ऐसा ड्रग जिसकी एमेटिक एक्टिविटी जो है वो मैक्सिम रहती है सो दिस ड्रग इज सिटिन सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर माइक्रोजोमल एंजाइम्स आर स्टिम्युलेटेड बाई लीवर माइक्रोजोमल एंजाइम्स आपके फिनोवाविडोन से स्टीमुलेट होते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन आयन इमोसिफाइंग एजेंट नॉन आयनिक इमोसीफाइंग एजेंट का एग्जाम्पल कौन सा है सो इट इज स्पेन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटोवे इज यूज टू मेजर रोटोवे मशीन जो है वो आपका कैप्सूल वेंग में यूज होती है ऑप्शन बी वेट ऑफ कैप्सूल्स इज़ करेक्ट आंसर सो यहाँ पे आज के हमारे फिफ्टी क्वेश्चन कम्प्लीट होते हैं एंड अभी हम डिस्कस करेंगे एक फार्मास्यूटिक फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि आज की हमारी रहेगी हिस्टामिनिक एगोनिस के ऊपर सो so, सबसे पहले एगोनिस के बारे में देख लेते हैं इसके बाद में हम एच वन एंटागोनिस्ट के बारे में भी देखेंगे सो so, सबसे पहले हमारे आ जाते हैं हिस्टामर्जिक एगोनेस्ट तो इसमें डिफरेंट आपकी क्लासेस मेन चार क्लासेस आपको देखने को मिलेगी नॉन सेलेक्टिव दैट इज एच वन एच टू एच थ्री एगोनिस तीनों में सेलेक्टिविटी uh, नहीं है देन सेकेंड आता है सेलेक्टिव एच एच वन एगोनिस सिर्फ एच वन सेप्टर को ही एगोनाइज करेगा देन आता है सेलेक्टिव एच टू एगोनिस्ट एंड देन आता है सेलेक्टिव एच थ्री एगोनेस्ट ठीक है एक क्लास आपकी नॉन सेलेक्टिव रहेगी बाकी आपकी हर एक एच वन एच टू एच थ्री सेपरेटली जो है वो स्पेसिफिक सेलेक्टिव रहेंगी तो फर्स्ट है आपकी नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट जिसमें आपका हिस्टामाइन एंड बीटा हिस्टिन आ जाएगा ठीक है ये दो इसमें ड्रग्स आपको याद रखने हैं देन आता है आपका सेलेक्टिव एच वन एगोनिस्ट इसमें आपका ड्रग रहेगा टू मिथाइल हिस्टामाइन टू पिरीडाइल इथाइल अमाइन एंड टू थोलिल इथाइल अमाइन ठीक है ये डिफरेंट ड्रग्स आपके सेलेक्टिव एच वन एगोनिस्ट में रहेंगे देन आता है आपका सेलेक्टिव एच टू एगोनिस्ट इसमें आपका फोर मिथाइल हिस्तमाइन डीमाप्रेट इम्प्रोमिडिन सो ये ड्रग्स इसमें आपके रहेंगे फोर्थ क्लास आपकी इसमें रहती है सेलेक्टिव एच थ्री एगोनिस्ट एच थ्री में आपका रहेगा आर अल्फा मिथाइल हिस्टमाइन एंड इमेटेड ठीक है ये इसमें ड्रग्स रहेंगे इसमें वैसे तो क्वेश्चन बहुत कम रेयरली ही पूछा गया होगा तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बाकी जो आपके एंटागोनिस्ट हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सो एंटागोनिस्ट के बारे में देखते हैं एच वन एंटागोनिस्ट जिनको कन्वेंशनल एंटी भी कहा जाता है तो so, इसमें आपको मेनली चार क्लासेस देखने को मिलेंगी एक आप sedative, आपकी आ जाएगी हाईली सीडेटिव दूसरी आपकी मॉडरेटली सीडेटिव थर्ड माइडली सीडेटिव एंड एक आती है आपकी सेकेंड जनरेशन ठीक है सेकेंड जनरेशन एच वन एंटागोनिस्ट एंड ये सेकेंड जनरेशन जो है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो बनता है वन बाय वन सारी क्लासेस को देखते हैं हाईली सीडेटिव हाईली सीडेटिव में आपका डाइफ हाइड्रामाइन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाइमेन हाइड्रीनेट प्रोमिथाजीन एंड हाइड्रोक्सीजन इसमें आपका डाइफेन हाइड्रामीन एंड हाइड्रोक्सीजन इन दोनों के ऊपर प्रीवियसली क्वेश्चन देखने को मिलेगा देन दूसरी क्लास आपकी आती है मोडरेटली सीडेटिव मोडरेटली सीडेटिव में आपका फेनिरामिन आ जाएगा सिप्रोहेप्टेडिन मैक्लोजिन ब्यूक्लिजिन एंड सिनारिज़िन, ठीक है इसमें आपका सिप्रोहेप्टेडिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी आपको प्रीवियसली क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा देन नेक्स्ट क्लास है माइडली सीडेटिव इसमें आपका क्लोरफेनिरामिन डेक्सक्लोरफेनिरामिन डाइमेथिन ट्राइप्लोरीडिन मीवाइड्रोलिन साइक्लिजिन क्लेमास्टिन ठीक है ये डिफरेंट ड्रग्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे इसमें आपका साइक्लाजिन जो है वो इम्पॉर्टेंट है देन आती है आपकी सेकेंड जनरेशन दट इज नॉन सीडेटिंग एच वन एंटी हिस्टमाइन से एच वन एंटागोनिस्ट ठीक है सो so इसमें आपका टर्फेनाडिन फेक्सोफेनाडिन एस्टेमिजोल लोराटिन डेस्ट लोराटिडिन सेट्रीजिन लिवोसेट्रोजिन एज मिजोलास्टिन इवास्टिन एंड रूपाटा डेन ठीक है इसमें आपका सेक्ट्रीजेन जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट रग है इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन बना हुआ है इसके अलावा सेकेंड जनरेशन के ऊपर इस टाइप से क्वेश्चन भी एक देखा गया है जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सेकेंड जनरेशन एच वन एंटागोनिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंड जनरेशन एच वन एंटागोनिस तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं तो ये कुछ आ, ड्रग्स हैं इनको आप याद रख सकते हैं सो so, यहाँ पे आज के हमारे फिफ्टी क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए एंड साथ में आज हमने हिस्टामाइनिक एगोनिस्ट एंड एच वन एंटेगोनिस्ट ये दो क्लासेज जो है, इनके हैं इनके ड्रग्स भी डिस्कस कर लिए हैं सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच